Good morning. So today we'll finish the last essay in your book, mm -hmm. Reflections from the East and West, Simply Living by Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very popular Anglo Indian author. He was born in Kasoli, Himachal Pradesh in May nineteen thirty four to British parents. He completed education at Bishop Cotton School in Shimla and then went to England. वहाँ पे यू नो एज़ ए यंग राइटर ही वन क्वाइट फ्यू प्राइजेज़ उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया और फिर इंग्लैंड से वापस आके वो कहाँ देहरादून में रहने लग गए वेर ही हैज़ बीन लिविंग विद हिज अडॉप्टेड फैमिली एवर सिंस इनका अपना परिवार नहीं है बट अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं कई इन्हें अवार्ड्स मिले हैं साहित्य अकादमी पदमाश्री और तीन इनकी जो किताबें हैं उसे उन्हें फिल्मों में भी बनाया गया है फ्लाइट ऑफ पिजन्स जुनून ब्लू अम्ब्रेला और रीसेंट जो प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी सात खून माफ वो इनके नावल सुजाना सेवन हस्बेंड से ली गई थी ऐसे ये जो आपका है जो प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट्स है कुछ कुछ पोर्शन है अलग अलग बेसिकली दे आर टेकन फ्रॉम हिज एंथोलॉजी द इंडिया आई लव वो हिंदुस्तान जिसे रस्किन बॉन्ड प्रेम करते हैं तो ये क्या है ये डायरी एंट्रीज़ के रूप में है थ्रू द नाइनटीन जब क्या है रस्किन बॉन्ड वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर तो ये उस दौर से उनकी डायरी एंट्रीज़ और उनके विचार दर्शाते हैं इनमें ही प्रोवाइड्स ग्लिम्पसेस फ्रॉम ऑर्डनरी एंड अनप्रिटेंशियस लाइफ जो सिंपल साधारण जीवन है उनका रस्किन बॉन्ड का उसी के बारे में लिखते हैं इसमें इनका लव ऑफ नेचर एंड लाइफ दर्शाया गया है एंड ऑब्वियसली हिज कीन सेंस ऑफ ह्यूमर रस्किन बॉन्ड की राइटिंग्स और कहानियों में इसमें हमेशा आपको एक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर दिखेगा तो ये भी आपको इनके डायरी एंट्रीज में दिखेगा और एक जो अलग सिंसेरिटी एज यंग राइटर जो लिखते हैं इस किताब के प्रेफेस में बॉन्ड सेज द इंडिया दैट आई लव डज नॉट मेक द हेडलाइंस जिस इंडिया से इन्हें प्रेम है वो क्या है हेडलाइंस में नहीं आता क्योंकि हेडलाइंस में क्या है दिल्ली की बात होगी बेंगलोर बम्बई की बात होगी पॉलिटिक्स की बात होगी लेकिन जैसे भरमौर जैसी जगह है या कोई ऐसा गांव है जो सिंपल पहाड़ों में उसकी बात ऑब्वियसली हेडलाइंस में नहीं होती है द इंडिया दैट आई लव कम्प्राइज द गुड विल एंड गुड ह्यूमर ऑफ ऑर्डनरी पीपल आम आदमी का जो आम लोगों का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और अच्छी इच्छा है शक्ति है विल है उसके बारे में लिखते उन्हें उससे प्रेम है इंडिया के अ टॉलरेंस फॉर ऑल कस्टम्स सभी के कस्टम्स ट्रेडिशंस के लिए एक सहनशीलता है टॉलरेंस है अ नॉन इंटरफेरेंस इन अदर प्राइवेट लाइव्स और ओके निजी जीवन में दखल नहीं देने का अब ये सब देखिए ऑब्वियसली रोमांटिस किया जा रहा है थोड़ा राइटर बोल रहा है कि हाँ ये जो भारत है रूरल इंडिया है बहुत सुंदर है यहाँ पे आदर्श है परफेक्ट है लेकिन ऑब्वियसली हम सबको पता ऐसा नहीं है क्योंकि हम भी ऐसे ही इंडिया के पार्ट में रहते हैं सो एनी हा अब फ्रेंडली रेस्टिप्रोकेशन एट ऑल टाइम्स लोग फ्रेंडली होते हैं फिलोसॉफिकल एक्सेप्टेंस ऑफ हार्डशिप्स जैसे जो भी आपके जीव जीवन में कष्ट है उसे आप क्या है सिंपली फिलोसॉफिकली मान लेते हैं बोलते हैं कि ये तो ईश्वर की देन है एट्सेट्रा एट्सेट्रा लव एंड अफेक्शन स्पेशली इन चिल्ड्रन ई आल्सो टॉक्स अबाउट द लैंड इट फॉरेस्ट एंड प्लेन माउंटेन एंड डेजर्ट द रिवर एंड द सी ऑल मीन डिफरेंट थिंग्स टू मी क्योंकि क्या है जो जंगल है या प्लेन इलाका है या डेजर्ट है या पहाड़ है या समुद्र है सबका एक अपना अलग अनुभव है और बॉन्ड इनके बारे में बताते हैं हम देखेंगे कि धीरे धीरे बॉन्ड जो एज अ थर्टी ईयर ओल्ड यंग स्ट्रगलिंग राइटर इनके मन में तब क्या चल रहा था वेन ही वॉज जस्ट सिंपली लिविंग आई मे नॉट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड एनी थिंग टूवर्स द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन बट ना इधर हैव आई रॉप द वर्ल्ड ऑफ एनी थिंग तो एज अ यंग मैन ही सेज चाहे मैंने जो सभ्यता के प्रोग्रेस के विकास के लिए चाहे कुछ ना किया हो लेकिन मैंने इस दुनिया से कुछ चोरी भी नहीं किया है कुछ घटाया भी नहीं है नॉट वन ट्री और बुश और बर्ड ना कभी किसी एक पेड़ काटा है कोई झाड़ काटी या फिर किसी पक्षी को चोट पहुँचाइए इवन द स्पाइडर ऑन माई वेल इज ऑन माई वॉल इज़ वेलकम टू हिज और हर स्पेस प्रोवाइडेड ही शी स्टेज ऑन द वॉल एंड डज नॉट डिटेंड ऑन माई पिलो इवन ये जो क्या है जो मकड़ी है जो मेरे जंगल में जो सॉरी जो ये जो इवन ये जो मकड़ी है जो मेरे रूम में वो जब तक दीवार पर है कोई बात नहीं उससे भी अपनी जगह का अधिकार है लेकिन अगर वो मेरे पिलो पर आ जाए तब दिक्कत है डेर विल कीप साइलेंस दीज वर्ड्स हेल्प नेपोलियन बट विल हेल्प मी तो ये शब्द अपैंटली नेपोलियन बनापार्ड जो कि एक फ्रेंच जनरल और रूलर थे उन उन्हें उनके शब्द हैं शायद उन्हें हिम्मत देते थे तो ये कह रहे हैं नेपोलियन को तो इन शब्दों से बहुत हिम्मत मिली डेर विल कीप साइलेंस बट विल दे मी ट्राई कर सिंह उससे अच्छा तो क्या है गाली देने की कोशिश करो कर सिंह आई कर्स द ब्लॉक टू मनी कहीं ना कहीं बेसिकली वही ज़्यादा चित्र जैसे जो दिक्कतें होती है पैसे की दिक्कत है मनी ब्लॉक हो गया आ नहीं रहा है ये शायद लिख रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है आई कर्स द थिंग दैट टेक्स ऑल माई एफर्ट अवे आई कर्स ऑल दैट वुड मेक मी ए स्लेव जो भी मुझे दास बनाना चाहता है वो सबको गाली देते हैं आई करस दोज उन्हें सबको श्रापित करते हैं आई करस वुड हार्म माय लव्ड लव कर्स श्रापित करना एंड नाउ स्टॉप कर्सिंग एंड गिव थैंक्स फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव इन्जॉयड इन लाइफ और एक बार जब आपने ये जो श्राप गालियाँ देना कर दिया है तो बंद करो एंड देन गिव थैंक्स फॉर ऑल द गुड थिंग्स यू हैव इन्जॉयड इन लाइफ और फिर क्या है अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें आपको मिली है उसका आभार जताइए वी शूड नॉट स्पॉयल वॉट वी हैव बाई डिजायरिंग वॉट वी हैव नॉट But remember that we have was what we have was वॉज gift of fortune फार्चून तो बेसिकली एपिक्यूरस एक फिलोसॉफिकल एक philosopher फिलोसो, की line देते हैं कि हमें जो हमारे पास है उसे इस चीज़ से नहीं बर्बाद करना चाहिए कि डिज़ायरिंग वॉट वी हैव नॉट जो हमारे पास नहीं है उसी की इच्छा में हम हमेशा लगे रहेंगे तो जो आपके पास है उसका भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे और याद रखिए जो आपके पास है वो तो सिंपली गिफ्ट ऑफ फॉर्चून है एक क्या है किस्मत का गिफ्ट है वी ऑर्ट टू हैव मोर सेंस ऑफ कोर्स टू ट्राई टू टच अ ड्रीम और टू रीच दैट प्लेस एग्जिस्ट बट इन द ग्लैमर ऑफ अ नेम हमें कुछ ज्यादा सेंस होना चाहिए दैन टू ट्राई टू टच अ ड्रीम और टू रीच दैट प्लेस विच एग्जिस्ट बट इन द ग्लैमर ऑफ अ नेम तो बेसिकली वो ये बोल रहे कि सपनों के पीछे या फिर जो खाली खोखले नामों के पीछे नहीं भागना चाहिए एक और कोटेशन है अ गुड ईयर फॉर द कॉज फ्लावर बैंक ऑफ दम एवरीवेयर दे लाइक द डे लॉन्ग सन क्लीन एंड फ्रेश माई फेवरेट फ्लावर ऑमास तो अब प्रकृति पे आते हैं कहते हैं एक जो प्रकृति एक फूल है कॉज्मो फ्लावर वो इनका फेवरेट फूल है खासकर जब वो क्या है ग्रुप में ऑन मास उग रहा हो बट बाई इट सेल्फ द वाइल्ड कॉमेलिना स्काई ब्लू अगेंस्ट डार्क ग्रीन ऑलवेज कैचेज एट द हार्ट लेकिन अगर अकेले फूलों की बात करें तो वाइल्ड कॉमेलिना इन्हें पसंद है अ लेट इन चाइल्डहुड रिमेन्स इन आर सबकॉन्शियस दिस आई हैव ट्राई टू एक्सप्लोर और फिर बॉन्ड कहते हैं कि एक बचपना हमेशा हमारे सबकॉन्शियस दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं एक छुपे रहता है उसे इन्होंने ढूंढने की कोशिश की है बाय बॉयहुड वज़ डिफ़िकल्ट बट आई हैड माई ड्रीम्स टू सस्टेन मी वॉट इज वन ड्रीम अबाउट नाउ ये कहते हैं, इनका बचपना मुश्किल था लेकिन इनके पास सपने थे जो इन्हें सस्टेन करते रहते थे जो इन्हें बचा कर आगे चलते रह, रह, रहते थे लेकिन अब वो किन चीज़ों के बारे में ड्रीम करे बट समटाइम्स वेन ऑल एल्स फेल्स अ सेंस ऑफ ह्यूमर कम्स टू द रेस्क्यू लेकिन कभी कभार इनका क्या है जब और कुछ नहीं चलता इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इन्हीं इन्हें बचा लेता है एंड द चिल्ड्रन जो शायद इनके अडोप्टेड फैमिली के राकी मुक्की डॉली ब्रिंग मी जॉय ऑल चिल्ड्रन डू समाइम्स आई थिंक स्मॉल चिल्ड्रन आर दी ओनली सेक्रेट थिंग्स लेफ्ट ऑन दिस अर्थ चिल्ड्रन एंड फ्लावर्स स्मॉल चिल्ड्रन आर दी ओनली सेक्रेट थिंग्स लेफ्ट क्योंकि क्या है शायद जो छोटे बच्चे हैं शायद यही एक प्योर चीज़ रह गई है इस दुनिया में क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ऑब्वियसली इसने भी समाज स्कूल परिवार के अनुसार हम कंडीशन कर देते हैं अपने जैसा बना लेते हैं लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब ये सीक्रेड और प्योर रहते हैं जैसे कि फूल और बच्चे फर्दर ब्लास्ट ऑफ विंड एंड स्नो इन स्पाइट ऑफ द ग्लूम रोड इन यू एस ए ब्लिजर्ड इन द नाइट एक आंधी स्नो स्टॉम और अ फुट ऑफ स्नो इन द मॉर्निंग एंड सो इट गोर्स अनप्रेसिडेंटेड फॉर मार्च मार्च में भी एक फुट बर्फ पड़ गई अनप्रेसिडेंटेड जो कि पहले शायद नहीं हुआ है एटलीस्ट द स्नो प्रिवेंट्स द रूफ फ्रॉम ब्लोइंग अवे एज है लास्ट ईयर लेकिन कहते हैं कि कम से कम चलो इसमें भी इनका ये जो क्या है सिंपल एटीट्यूड थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है ये कहते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं कम से कम ये जो बर्फ जो फुट पड़ गई है इससे रूफ तो जो छत तो नहीं उड़ भी आएगी जैसा कि पिछले साल हुआ था फेसिंग ईस्ट फ्राम वेयर द विंड ब्लोज डजेंट हेल्प एंड इट्स सच ए रिकेटी ओल्ड हाउस सो पुराने घर में रहते हैं और बहुत ठंड हो रही है एट्सेट्रा एट्सेट्रा बस गोज डाउन द खड किलिंग सेवरल पैसेंजर्स खाई से बस गिर गई है कई लोग मर गए और जैसा पहाड़ों में आप देखते हैं तो नॉर्मल आप जैसे अगर प्लेन्स का न्यूज़पेपर ले मेन नेशनल न्यूज़पेपर्स तो रोज़ क्या है मर्डर रेप ये सब कहानियाँ होती है लेकिन पहाड़ों का अगर आप न्यूज़पेपर खोले तो क्या होता है बस गिर गई एट्सेट्रा थिंग्स लाइक दैट डेथ मूव्स अबाउट अ रैंडम विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द इनसेंट एंड द विल द पुअर एंड द रिच दो ओनली डिफरेंस दुअर यूजली हैंडल इट बेटर तो मौत के बारे में कहते हैं कि मौत क्या है अपनी ही इच्छा से अच्छा अनुसार चलते रहती है वो कोई भेदभाव नहीं करती इनोसेंट और ईवल में मासूम और क्या है ईवल लोगों में और ना ही अमीर और गरीब में बस ये है कि जो गरीब लोग हैं वो उसे ज़्यादा जा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं या झेल पाते हैं मौत को द ब्लैकेस्ट क्लाउड है मसूरी एन दैन इट हेल्ड मार्वल्स फॉर हाफ एन आवर नथिंग लाइक अ हील स्टॉम टू क्लीयर द स्काय Even as I write, I see a rainbow forming. So he yeah, goes on with his nature descriptions Masuri Ole Pade Kuchade uske baad ek And goddess Lakshmi smiles on me, an unprecedented flow of checks, mainly accrued royalties on Angry River and the Blue Umbrella, a welcome change from last year's shortages and difficulties. तो कहते लास्ट ईयर इनको पैसे की बड़ी दिक्कत आई थी लेकिन अब एकदम से बहुत पैसा आ गया है जो इनकी रॉयल्टीज़ किताबों से एंग्री रिवर और ब्लू अम्ब्रेला से चेक आने थे वो सब आ चुके हैं परफेक्शन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड इज अ शॉर्ट ऑफ फेरी फ्लाई एंड इट्स बॉडी इज़ ओनली अ फिफ्थ ऑफ अ मिली लॉन्ग वन कैन ओनली जस् सीट विद द नेकड आई ऑलमोस्ट लाइक ए स्पेक्ट ऑफ डस्ट येट इट हैज़ परफेट लिल विंग एंड लिल कोम्स ऑन इट्स लेग्स फॉर प्रीनिंग इट सेल्फ तो अगैन नेचर एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द वंडर ऑफ लाइफ कि जो छोटे से छोटा इंसेट है एक जो फ्लाई है जो कि बस क्या एक मिलीमीटर कितना इतना सा होता है उसका भी फिफ्थ पाँचवा भाग है लेकिन फिर भी अगर आप उसे ध्यान से देखें हालांकि उसका क्या है एक धूल के कंड जितना साइज़ है लेकिन इट हैज़ परफेक्ट लिटल विंग्स एंड लिटिल लेग्स प्रकृति ने उसे भी अपने अपने में परफेक्ट बनाया है मानसून डाउन पोर बेडरूम वॉल क्रम्बलिंग लैंड स्लाइड कट्स ऑफ माई वॉक डाउन द टेरी रोड तो मानसून चल गया है बहुत बारिश हो रही है बेडरूम वॉल टूट टूट रही है और साथ ही साथ लैंड स्लाइड हो गया है जो टेरी रोड कट चुका है जो कि हमारे इधर भी होते रहता है कभी भरमौर रोड कभी कुकती रोड इसेट्रा इसेट्रा कुछ ना कुछ बारिश ज़रा सी बारिश हो लैंड स्लाइड हो जाता है टू ड्रीम्स अंस्टेंटली रिकरिंग ड्रीम और राधर नाइट मेयर कॉन्स्टेंटली रिकरिंग बार बार जो वापस आते रहता है एक सपना या फिर नाइट मेयर आई एम फोर्स टू स्टे लॉन्गर दैन आईडरी एक्सपेंसिव होटल बिल फॉर्चुनेटलीज वो कन अपि बिल इज प्रजेंटेड तो कहते हैं कि बार बार इन्हें एक सपना आता है कि एक बड़े महंगे होटल में बैठे हैं और इनके पास पैसे नहीं है और फाइनली बिल आने वाला है लेकिन हमेशा क्या है ये बिल के आने से पहले ही नींद की नींद खुल जाती है पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इसका क्या मतलब हो सकता है फियर ऑफ इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी का उल्टा इनसिक्योरिटी जब आप क्या है आपको डर है कि क्या होगा कैसे होगा आप खासकर पैसे वगैरह के बारे में अपने अस्तित्व के बारे में सो इस इज़ माई ओन वेरिएशन ऑफ़ द ड्रीम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट बट वेकिंग अप बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो जैसे ज़्यादातर लोगों को इस तरह का सपना आता है कि वो कहीं ऊपर से गिर रहे हैं लेकिन बस जमीन छूने से पहले वो उठ जाते हैं वैसे ही इनका कुछ ये सपना है फियर ऑफ इनसिक्योरिटी का अनदर वोकेशनल ड्रीम एक और सपना जो बार बार आता है लिविंग इन अ हाउस पर्स्ट ओर क्रम्बलिंग हिल साइड दिस वन इज़ नॉट फार रिमूट फ्रॉम रियालिटी दूसरा सपना क्या है ये एक घर पर रह रहे जो कि बस एक टूटते हुए हिल साइड पर है जो कि ये कहते हैं जो कि ज़्यादा सच से ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हकीकत में भी ऐसे ही घर में रहते हैं ग्लोरियस डे वॉक राउंड द हिल एंड गॉट सम ऑफ द कॉवेब्स आउट ऑफ माई हेड सुंदर दिन था ये वॉक पे गए और इसीलिए अपने मकड़े के जाले जो इनके दिमाग में कुछ बन रहे थे वो सब हट गए दैट मैन स्ट्रांगेस्ट हुस अ लोन वही आदमी सबसे ताकतवर है जो अकेला खड़ा रह सकता है सम एपीग्राम्स या फिर विटी चीज़ें सेंटेंसेस जो आगे के लिए रखना चाहते हैं अ वेल बैलेंस पर्सन सम वन विद अ चिप ऑन बोथ शोल्डर्स वेल बैलेंस कौन है जिसके दोनों साइड दोनों कंधों पे कुछ बोझ है एक्सपीरियंस द नॉलेज दैट एनेबल्स यू टू रिकोगनाइज मिस्टेक वैन यू मेक इट द सेकेंड टाइम अनुभव क्या है वो ज्ञान जो कि आपको पहले ही दूसरी बार सेम गलती करने से पहले बता देता है सिंपथी वॉट वन वुमन ऑफर्स अनदर इन एक्सचेंज फॉर डिटेल्स सहानुभूति क्या है जो एक औरत दूसरी को देती है किसके बदले डिटेल्स के बदले कहानी के बदले गॉसिप के बदले वरी द इंटरेस्ट पेड ऑन ट्रेवल बिफोर इट बिकम्स ड्यू हम्म वरी क्या है जो आपका कोई प्रॉब्लम है ट्रबल है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते रहते हैं ज़बरदस्ती की टेंशन लेते रहते हैं उसे वरी एडवाइस टू माई सेल्फ कंजर्व एनर्जी टॉकलेस एनर्जी बचाइए कम बात कीजिए बेटर टू हैव पीपल वॉन्ड्रिंग वाई यू डोंट स्पीक दैट टू हैव दैम वॉन्डरिंग वाई यू स्पीक डिज़ रेली तो वही है बार बार ये फिलोसफर्स के बीच में एक एक लाइन डालते रहते हैं तो बेसिकली इट्स इज़ तो अ डायरी कहीं ना कहीं शायद ये किताब पढ़ते पढ़ते इन्हें एक लाइन दिखती है फिर उसके बारे में सोचते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं रोट द फ्यूनरल वन ऑफ माई बेटर स्टोरीज एंड दस मोर डिफिकल्ट टू प्लेस कहते हैं इनकी एक एक काफ़ी अच्छी कहानी लिखी और इसीलिए इन्हें ये दिक्कत हो रही है इसे कहाँ किस संकलन में डालें एक और लाइन जो शायद इन्होंने कहीं से ली इफ या फिर शायद इसी कभी कहानी की है इनकी अपनी कहानी की इफ़ डेथ वॉज अ थिंग दैट मनी गुड बाय द रिच दे वुड लिव एंड द पुअर वुड डाई अगर मौत एक ऐसी चीज़ होती जो पैसे से खरीदी जा सके तो ऑब्वियसली क्या है जो अमीर लोग होंगे वो कभी नहीं मरेंगे और बस गरीब ही मरेंगे ऑन द दिक्कत इट वॉज बिटोली कोल्ड एंड द स्नो केम इन थ्रू माई बेडरूम रूफ नॉट एन ऑफ़ मनी टू गो अवे बट इट लीस्ट इज इनफर वुड एंड कोल्ड तो फाइनली जो इनके जो बेडरूम की छत है वो फाइनली घिर गई बर्फ से और कह रहे इतना पैसा तो नहीं है कहीं जाने का लेकिन कम से कम लकड़ी और कोयले के लिए पैसा है आई हेड द कोल्ड बट द चिल्ड्रन सीम टू इन्जॉय इट बच्चों को ऑब्वियसली पसंद आती है बर्फ़ से खेलना ये सब राखी मुखी एंड ऑल इन कॉन्स्टेंट हाई स्पिरड्स हमेशा है, वो बड़े ही उत्तेजित और हाई स्पिरड्स में रहते हैं टू डेज एंड नाइट्स ऑफ ब्लिजर्ड दो दिन और रातों से क्या है स्नो नोस्टॉम चला है एक तूफान चला है हाउलिंग विंड्स विंडीट स्नो प्रेम ब्रेवली गोज आउट फॉर कोल एंड ऑयल वर्स्ट वेदर वी हैव एवर हैड सिक ऑफ इट तो बेसिकली आप क्या है जनवरी फेबर का भरमौर याद कर लीजिए और शायद आप समझ पाएंगे इन पे क्या बीत रही है द एडवेंचर विंड ऑफ माई boyhood. ये पोर्शन काफ़ी ज़रूरी है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में यूजली आता है रेफरेंस टू कंटेक्ट या फिर कुछ द एडवेंचर विंड ऑफ माई बॉय हुड आई फेल्ट इट अगेन टुडे जो इनके जो बचपन में बॉय में जो इन्हें एक जो एडवेंचर की फीलिंग आती थी एक एडवेंचर की हवा इन पे जो चढ़ जाती थी वो आज फिर इन्हें महसूस हुई वॉक फाइव माइल्स टू सो खोली टू लुक एट एन इन्फिनिटी ऑफ माउंटेन्स इन्फिनिटी एंडलेस जो पहाड़ों की इन्फिनिटी को देखा इन्होंने सौ खली जाके द फीलिंग ऑफ स्पेस लिमिटलेस स्पेस एंडलेस स्पेस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बाय लिविंग इन द माउंटेन्स तो ये कहते हैं इस तरह का जो एक अनुभव है जो बिल्कुल ना ख़त्म होने वाले स्पेस का वो आपको बस पहाड़ों में मिल सकता है इट इज़ द इमोशनल स्पिरिचुअल सर्च दैट ड्रॉज बैक टू द माउंटेन्स अगेन एंड अगेन और यही जो सर्ज है एक जो तरह से ऊर्जा का इमोशन और जो आध्यात्मिक ऊर्जा का वही हमें बार बार पहाड़ों पे खींच लाता है इट वॉज नॉट ऑल टूगेदर अ मैटर ऑफ मिस्टिसिज्म और रिलीजन दैट द एंशियंट्स टू बिलीव दैट देयर गॉड्स ट्वेल्ट इन द हाई प्लेसेज ऑफ दिस अर्थ और इसीलिए कहते हैं कि ये बस धर्म की बात नहीं थी कि जो कि एंशियंट जो पुराने लोगों को मानने पर आए कि उनके जो भगवान हैं वो सारे इन्हीं पहाड़ों में रहते हैं हाई प्लेसेस ऑफ़ दिस अर्थ और वो बस हिमाचल की हिमालय की बात नहीं हो रही कहीं पे भी आप जाइए माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन कंसिडर्ड सेक्रेड इन डिफरेंट कल्चर्स दोज गॉड्स बाय वॉट एवर नेम वी नो देम स्टिल डवेल देयर ये ईश्वर देवी देवता क्या है अभी भी वहीं है फ्रॉम टाइम टू टाइम वी शुड लाइक टू बी नियर देम दैट वी नो देम एंड आरसेल्स मोर इल्टीमेटली और इसीलिए हम बार बार क्या है ऐसे पहाड़ों पर तीर्थों पर जाते रहते हैं ताकि उन देवताओं या फिर गॉड्स के थ्रू उन्हें तो जाने ही जाने हम साथ ही साथ अपने आप को भी उनके द्वारा जान लें कंप्लीटेड माई फर्स्ट हाफ सेंचुरी एंड लॉज इन टू माई फिफ्टी फर्स्ट ईयर फिफ्टी वन साल के हो गए फिफ्टी इज़ अ डेंजरस एज फॉर मोस्ट मैन लास्ट ईयर दे वॉज नथिंग टू सेलिब्रेट एंड एट द एंड ऑफ इट माई डायरी वेंटेड टू द डस्टबिन तो शायद कह रहे हैं कि पचास की जो उम्र है वो बड़ी खतरनाक है शायद शायदों को आदमियों को लगता है वो फाइनली बूढ़े हो चुके हैं इसलिए ज्यादा खुशी नहीं होती कहते लास्ट ईयर तो इन्होंने अपनी डायरी ही डस्टबिन में फेंक दी सो स्किप बीइंग फिफ्टी इसलिए कहते हैं कि किसी तरह फिफ्टी को आप छोड़ दीजिए सीधा फिफ्टी वन हो जाइए फोर्टी नाइन से उनचास से सीधा इक्यावन पे पहुंच जाइए पचास के मत होइए क्योंकि देन यू विल फाइंड योर इन कामर वाटर्स तब आप शांत रहेंगे एंड ही सेज शायद कुछ हुआ है इफ़ यू फॉल इन लव एट द एज ऑफ फिफ्टी इनर टर्मोइल एंड डिसअपॉइंटमेंट इज़ ऑलमोस्ट गारंटीड और अगर आप पचास साल की उम्र में किसी से प्रेम करने लग जाए फिर तो सोच लीजिए आपका भट्ठा बैठने वाला है डिसपॉइंटमेंट इन एंड इनर टर्मॉयल ही मिलेंगे डोंट लिसन टू वाइट वॉट द वाइज मैन से अबाउट लव जो पुराने के जो लोग थे वाइज मैन जो प्रेम के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनकी बातें मत सुनिए पी जी वोड हाउस एक ब्रिटिश राइटर कॉमिक राइटर सेट द होल थिंग मोर सक्सेंटली यू नो द वे लव कैन चेंज यू फेलो इज़ रियली फ्राइटफुल टू कंटेम्परेट स्पेशली वेन अ फिफ्टी ईयर ओल्ड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड क्योंकि प्रेम का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है एक पचास साल का आदमी भी एक सोलह साल के लड़के जैसा व्यवहार करने लग जाता है अब पता नहीं ये अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहे हैं कि नहीं रस्किन बॉन्ड बट यार मोस्ट ऑफ माय मंथ्स अर्निंग्स वेंट टू द डेंटिस्ट एंड आई नोटिस ही इज़ वेयरिंग अ न्यू सूट और यहीं पे देखिए इनका जो विट है जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये कहते हैं इनके ज़्यादातर का जो महीने का जो पैसा था अर्निंग्स थे वो सब डेंटिस्ट को चले गए इनके दांत खराब थे और अब वो देखते हैं कि डेंटिस्ट के पास एक नया चमकता सूट है कैन थाट और कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी क्या ये जो हमारे सोचने की शक्ति है जो हमारी चेतना है क्या वो हमारे शरीर के बाहर भी रह सकती है कैन इट बी ट्रेन टू डू सो क्या उसे ट्रेन किया जा सकता है ऐसा करने के लिए कैन इट्स एग्जिस्टेंस कंटिन्यू आफ्टर द बॉडी हैज़ गॉन क्या शरीर के मरने के बाद भी इस चेत ये चेतना रहेगी डज इट नीड अ बॉडी क्या इस चेतना को इस शरीर की जरूरत है बट विदाउट अ बॉडी टू डेव नथिंग टू डू लेकिन हाँ अगर बस ये चेतना चाहे शरीर के बिना भी रह सकती है तो लेकिन शरीर के बिना करेगी क्या शरीर तो चाहिए कुछ करने के लिए ऑफकोर्स थाट्स कैन ट्रैवल बट डू द ट्रैवल ऑफ द रोन वॉल्यूशन और बिकॉज ऑफ द बॉडली एनर्जी दैट सस्टेन्स देम और फिर स्किन बॉन्ड कहते तो कहीं ना कहीं देखिए काफ़ी अध्यात्मिकता में भी इनका रुचि है तो कहते हैं कि और फिलासफी में ऑब्वियसली तो कहते हैं थाट्स कैन ट्रैवल जो जो थाट्स होते हैं वो ट्रैवल तो करते हैं लेकिन क्या वो खुद से ट्रैवल करते हैं या फिर जो हमारी शारीरिक ऊर्जा के द्वारा तो बड़े अलग अलग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये भी पहाड़ों में रहते हैं इनके आसपास भी कई देवी देवता और ऐसी ऐसी चीज़ें होते रहती है जैसे चेलों का खेल एक्सेट्रा तो देखते हैं वी हैव द वंडर्स ऑफ क्लेयर वो फ्यूचर देख पाना और प्रेजेंटिमेंट्स एक पहले ही आपको आइडिया लग जाता है एक अनुभव हो जाता है या फिर एक फीलिंग आ जाती है आगे क्या होगा एंड प्रेमोनिशन इन ड्रीम्स हाउ टू अकाउंट फॉर दीज जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फ्यूचर के बारे में बता पाते हैं इनको कैसे समझाया जाए आर थिंकिंग इज़ कंडीशन बाय पास्ट एक्सपीरियंस जो भी हमारी सोच है वो कंडीशन रहती है वो एक तरह से ट्रेंड रहती है हमारे पास्ट के अनुभवों से इंक्लूडिंग द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस और ना ही बस अपने अनुभव बल्कि पूरे मानवता या फिर आपके जो खून के आपके जो कम से कम आपके ट्राइब के जो भी जो एक्सपीरियंसेस है उससे आपका सोच ट्रेंड uh, रहती है कंडीशन रहती है एंड सो एज वर्क इन सेट वी थिंक विद ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पास्ट बट इट इज़ विद आर एंटायर पास्ट इंक्लूजिंग द ओरिजिनल बेंट ऑफ द सोल दैट वी डिजायर विल एन एक्ट तो कह रहे हैं सोचते तो हम एक बहुत छोटे से पार्ट से हैं अपने अनुभव के बट जो हमारा पूरा एंटायर पास्ट है इंक्लूडिंग द ओरिजिनल बेंट ऑफ द सोल हम हमारी आत्मा से जो हमारी जो इच्छाएं हैं जो और जो हम एक्शंस लेते हैं वो सब वहाँ से आता है तो बेसिकली कह रहे हैं कि सोचना जो इंटेलेक्ट है जो माइंड है वो जीवन का एक एक छोटा पार्ट है सब कुछ नहीं है आई एक्सेप्ट दैट मैन एज अ सोल और ही वुड भी इनकेपेबल ऑफ कंपैशन और ये कहते हैं कि जो कई लोग जो बोलते हैं आत्मा है कि नहीं ये कहते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि आत्मा है नहीं तो इंसान कंपैशन ही नहीं रख पाता कंपैशन यानी कि जो सहानुभूति या फिर एक जो भावना रहती है इंसानों के अंदर दूसरे इंसानों के या फिर दूसरे जीव जंतुओं के प्रति जो प्रेम रहता है वो कहते हैं अगर हमारे पास आत्मा नहीं होती तो ये कहाँ से आता अ वेरी फिलोसॉफिकल एंड सिंस दिस इज अ डायरी तो बड़े सिंपल तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया गया है द विंड इन द पाइंस एंड देवदार्स हम्स एंड मोन्स बट इन द चेस्ट नट इट मेक्स चेयरफुल कॉन्वर्जेशन द हॉर्स चेस्टनट चेस्टनट इन फुल लीफ इज़ अ मैग्निफिसेंट साइट तो कह रहे हैं जो पाइन्स और देवदार के जो पतले पत्ते होते हैं उसमें तो हवा चलते रहती है हम्स हैं मोन करती आवाज़ें करती है लेकिन चेस्टनट में अलग आवाज़ें करते हैं तो अलग अलग पेड़ झाड़ियों जिस तरह से उनके पत्ते शाखाएँ हैं उसके अनुसार वो अलग अलग बातें करते हैं नॉट मेनी ईयर्स अगो यू है टू वॉक फॉर वीक्स टू रीच द पिलग्रिम डेस्टिनेशनस कुछ साल पहले आपको हफ्ते चलना पड़ता था ये सब क्या है पिलग्रिम यात्राएं करने के लिए बद्रीनाथ गंगोत्रीनाथ केदारनाथ तुंगनाथ लास्ट वीक विद इन अ फ्यू डेज आई कवर द मॉल एज मोस्ट ऑफ दैम आर नाउ एक्सेसिबल रोड मोटरेबल रोड लेकिन ये कहते हैं लास्ट वीक पिछले हफ्ते मैंने ये सब देख लिया क्योंकि अब सब क्या है रोड पहुँच गया है विकास हो गया है आई लाइक सम ऑफ द स्मॉलर प्लेज सच एज नंद प्रयाग विच आर स्टिल्स पॉइंट अदरवाइज आई एम एफ्रेड द धाबा कल्चर ऑफ ओर इंडिया दार्ज एंड बसज इन टू द माउंटेज एंड अपू द श्राइन्स तो ये कह रहे कि इन्हें जो छोटी जगह है जैसे नंद प्रयाग जो कि अभी भी अनस्पॉइल्ड है जहाँ पे इतना कूड़ा बर्बादी नहीं हुआ है उन्हें वो पसंद है अदरवाइज़ क्या है जो टूरिस्टों की गाड़ियों और बसों और रोड के साथ साथ पहाड़ों में भी अब ढाबा कल्चर आ गया है हर जगह दुकानें हैं जो कि आप देखते ही इवन जो मेला है मणिमेश मेला कुछ दस पंद्रह साल पहले अगर आप इमेजिन करें ये मेला कैसा होता था और अब कैसा है ऊपर तो आप समझ सकते हैं वैसे ही लाहौल में अब टनल बन गई है और अभी से आप अखबार न्यूज़ में देख रहे हैं कि चोरियाँ शुरू हो गई है, ईव टीजिंग शुरू हो गई जो कि ये चीज़ें पहले कभी नहीं होती थी तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ विकास और टूरिज्म आएगा तो उसका दूसरा साइड भी ज़रूर आएगा जुलाई द देवदार अनलाइक द पाइन इज अ हॉस्पिटेबल ट्री इट अलाउज अदर थिंग्स टू ग्रो बीनीथ इट एंड इट टॉलरेट्स ग्रोथ अपॉन इट्स ट्रंक एंड moss, मॉस small स्मॉल प्लांट्स टाइनी यंग कॉन्स आर लाइक ब्लॉसम डार्क ग्रीन फॉलिज एट दिस टाइम ऑफ द इयर तो ये कहते हैं जो देवदार का पेड़ है वो कि ज़्यादा हॉस्पिटेबल है ज़्यादा फ्रेंडली पेड़ है एक तरह से वो और चीज़ों को अपने नीचे घुसने उगने देता है पाइन का क्या पत्ते गिरते रहते हैं हर जगह पूरा ढक लेता है तो और कुछ शायद नहीं उग पाता है लेकिन ये कहते हैं कि देवदार ऐसा नहीं है इनफैक्ट उसके जो ट्रंक पर भी आपने देखा होगा जो हरी हरी काई मॉस फंस ये सब उगते रहते हैं तो इसलिए देवदार इज़ अ फ्रेंडली ट्री डेस्टिनी इज रियली द स्ट्रेंथ ऑफ आर डिजायर जो हमारी किस्मत है जो हमारा फेट है डेस्टिनी है वो बेसिकली कैसे बनता है हमारी इच्छाओं की शक्ति से माई पेरेंट्स ब्रोकन मैरेज फादर्स अर्ली डेथ एंड द डिफिकल्टीज ऑफ अडेप्टिंग टू माई स्टेप फादर्स होम रिजल्टेड इन माई बींग समिंग ऑफ लोन थर्टी कह रहे इनके जो पिता माता पिता की शादी नहीं चली थी तो जो ब्रोकन मैरिज इनके पिता जल्दी मर भी गए और फिर फाइनली इन्हें अपने स्टेप फादर के घर में रहना पड़ा था इसलिए कहीं ना कहीं ये बिल्कुल एक बड़े ही लोनर बन गए थे अकेले रहने वाले इंसान बन गए थे तीस साल की उम्र तक अब ही हैज़ बिकम अ फैमिली पर्सन विदाउट मैरिंग तो इसमें क्या ये थोड़े सेल्फिश हैं विदाउट मैरिंग जैसे बताया गया था इन्होंने एक फैमिली अडॉप्ट कर ली थी और उन्हीं के साथ रहते थे सो नाव आई एम फिफ्ट टू टाइम टू पेयर लाइफ डाउन टू द बेसिक्स ऑफ डूइंग वॉट आई हैव टू डर द लेटर अब बावन साल के हो गए कह रहे हैं कि सिंपली यू नो अब जीवन को बड़ा सिंपल रखना है दो तरह की चीज़ें हैं क्या एक वॉट आई हैव टू डू जो मुझे करनी पड़ेंगी और दूसरा वॉट आई वॉन्ट टू डू जो मैं करना चाहता हूँ एंड ऑबियसली जो दूसरे को ये प्रेफर करेंगे एक और साल निकल गया है मानसून इज एट इट स्पीक कई फूलों के बारे में बात हो रही है स्लीपर ऑर्चिड बल्सम, स्प्रेज ऑफ वाइट फ्लावर्स हर जगह क्या है अलग अलग फूल उग रहे हैं और उनके बारे में बात करें बेस्ट टाइम ऑफ ईयर फॉर वाइल्ड फ्लावर्स जब मानसून अपने पीक पे है सावन का महीना अ मेरी हार्ट डज गुड लाइक अ मेडिसिन बट अ ब्रोकन स्पिरिट ड्राइज द बोन्स ही हु टेंडरली ब्रिंग्स अप इज सर्वेंट फ्रॉम अ चाइल्ड शेल है बुक ऑफ बाइबल से दो कोर्ट्स हैं एक क्या कहते हैं मेरी हार्ट डज गुड लाइक अ मेडिसिन एक अच्छा एक खुश दिल क्या है दवाई जैसा है और एक टूटी आत्मा हड्डियों को भी सुखा सकती है ही हुए सर्वेंट फ्रॉम अ चाइल्ड जो अपने जो नौकर को भी क्या है अपने बच्चे की तरह शुरुआत से एक पाल कर रखता है वो अंत में क्या है उसका लड़का ही बन जाएगा अ बर्थडे केक बट इट फेल्ड आई समटाइम्स थिंक इनर्शिया इनर्शिया इज द द ग्रेटेस्ट फोर्स इन वर्ल्ड ये फिजिक्स का फेड इनर्सियाप जिस आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही में ही रहना चाहते हैं आप बदलना नहीं चाहते तो अगर आप जैसे बस में चल रहे हैं चल रहे चल रहे, रहे एकदम से बस में ब्रेक लगता है क्या होता है बस तो रुक गई है लेकिन आप अभी भी आगे जाना चाहते हैं तो शरीर ऐसे जाता है उसे इनर्शिया कहते हैं वैसे ही अब बस रुकी है एकदम से चल रही है तो आप तो रुकना चाहते हैं वहीं पे लेकिन बस आगे जा चुके तो आपको पीछे झटका लगता है दैट इज़ इनर्शिया और वही अगर उस दूसरे मतलब में देखें तो जैसे कि ज़्यादातर आपको सरकारी दफ्तर वगैरह में दिखने को मिलता है इनर्शिया कोई कुछ नहीं करना चाहता चुपचाप बैठा है बस सो दैट इज़ इनर्शिया एंड ही सेज दैट मे बी इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड आप लोग का भी इनर्शिया है जैसे आपके सामने पूरा कोर्स बन रखा है बट आपको पढ़ना नहीं है इनर्शिया रोट अ घो स्टोरी समथिंग आई आइंजॉय डूइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल दो आई मस्ट एडमिट ट्राई आई माइट आई हैव येट टू एनकाउंटर सुपर नेचुरल बींग Unless you can count dreams as being supernatural experiences after the drought, the deluge, तो अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने खुद तो कोई भूत प्रेत या सुपर नेचुरल नहीं देखा unless you know आप अगर सपनों की बात करें अब वो पता नहीं काउंट होता है कि नहीं <laughs> मैरीगोल्ड ब्लेज इन द सन जो गेंदे का फूल होता है जो शादी ब्याह मंदिरों में इस्तेमाल होता है यस होल फील्ड ऑफ एम फॉर दे आर मच इन डिमांड ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेरेमोनल ओकेजन मैरिजेज, टेम्पल पूजाज एंड गार्डन फॉर डिग्नेट्रीज मेकिंग द हम्बल मैरीगोल्ड अ गुड क्रैश कैश क्रॉप और इसीलिए एक अच्छा कैश क्रॉप है किसान लोग उगाते हैं क्योंकि हर जगह इस्तेमाल होता है कहीं समारोह में भी कोई वी आई पी आया है एम एल ए आए हैं मंत्री आए हैं उनको भी आप मालाएँ है पहनाते हैं

जो कि बहुत ही उसकी जो एक सुंदर एक स्मेल होती है लेकिन जो मेरी गोल्ड है शेयर स्टर्डीन ने स्टर्डी फूल है उसका कलर बहुत आकर्षक है ऑरेंज ब्राउन येलो और चेयरफुल एकदम बड़ा ही आपने अगर देखा होगा गेंदे का फूल एकदम बहुत ही चेयरफुल फूल है ब्राइट कलर्ड ब्राइटनिंग अप विंटर डेज ऑफ एन वेन देर इज़ लिटल इल्स इन रूम सर्दियों में भी जब और कुछ नहीं होता है गेंदे का फूल चमकते रहता है बहुत ब्राइट कलर में इट डजेंट रियली हैव अ फ्रेगरेंस सिम्पली एन एसिड ओडर नॉट टू एवं लाइक हालांकि उसकी एक कोई ज़्यादा कुछ अच्छी स्मेल नहीं है लेकिन फिर भी क्या है इट हैज़ अ वंडरफुल रेंज ऑफ कलर फ्राम लोअर येलो टू डीप ऑरेंज टू गोल्डन ब्राउन्स especially among the giant varieties in the hills to aise karte karte dekh rahe aap it's basically like a collection of very random small chote chote diary entries aur jo hum diary entries first year mein baat karte hain this is what a diary entry should be like you know apne vichar hai bade simply एक दो आ, ये paragraph में ये देते जा रहे हैं और इसका संकलन किया गया है आपको एक ऐसे में एंड प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड विद दैट यू नो वी हैव फिनिश्ड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट एक दो कविताएं आपकी दूसरी किताब से बची है जो फुटप्रिंट्स ऑन द सैन ऑफ टाइम उसको ख़त्म करके फिर हम आगे बढ़ते हैं थैंक यू